नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और यह पोको M4 Pro 5G फोन। वैसे हम यदि पोको M4 Pro की तुलना पोको M3 Pro से करते हैं तो ये एक अच्छा अपग्रेड है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट प्रारंभ होता है 4GB 64GB स्टोरेज के साथ और इसका मूल्य है 14,999 रुपए अर्थात 15,000 रुपए। साथ ही कुछ और वेरियंट भी इसके उपलब्ध है। डिजाइन एंड बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉली कार्बोनेट बैक मिल जाता है, परंतु डिजाइन इसका अच्छा लगा मेरे पास। ये हरा रंग वाला है और इसमें ये मैट फिनिश दी गई है और ऊपर अलग सा एक डिजाइन बनाया गया है पोको का ग्रे कलर में, और ऐसे हल्के हल्के ना दाने वाले टेक्सचर्स दिखते हैं इसमें पीछे। प्लास्टिक का फ्रेम भी है इसमें, परंतु फोन ऐसे पकड़ के ना बहुत बड़ा नहीं फील होता। साइड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तीव्र है भाई, बढ़िया तीव्र है, मस्त वाला तीव्र। और हैप्टिक फीडबैक, कंपन प्रतिक्रिया जो आती है भाई साहब, लॉक करते हैं या कुछ भी टाइप वाइप करते हैं, यूआई में स्क्रॉल नेविगेट करते हैं, कंपन प्रतिक्रिया भाई साहब इस मूल्य पे आपको बेस्ट मिल रही है इस वाले स्मार्टफोन में, एकदम प्रीमियम श्रेणी की। साथ में डुअल स्पीकर्स भी प्रदान किए गए हैं आपको और IP53 रेटिंग भी दी गई है और आयर ब्लास्टर भी मिलता है भाई यहाँ पे। मेरे पास ये हरा वाला है, परंतु पीला वाला इसका ज्यादा आकर्षक लगा था मुझे, और एक काला वाला भी है। 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है इसमें पंच होल कैमरा के साथ। रिफ्रेश रेट जो है इसका 90Hz है, तो ऐसे स्मूथ तो फील होती है। हाँ, 120Hz यदि आपने उपयोग किया होगा तो उसके सामने थोड़ा सा कम स्मूथ लगेगी। बाकी एनिमेशन जो है इसमें थोड़ा तीव्र दिए गए हैं। अब आउटडोर्स में जब डायरेक्ट सनलाइट में इसे देखते हैं ना डिस्प्ले को, थोड़ा सा कम ब्राइट लगी मुझे ये। जब एकदम हार्श लाइट आ जाती है ना, सनलाइट, सूर्य का प्रबल प्रकाश रहता है, थोड़ा सा फीकी साबित होती है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। मीडिया कंजम्पशन के लिए वाला स्मार्टफोन अच्छा हो सकता है क्योंकि डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, साथ में डिस्प्ले भी, इनडोर विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। परफॉर्मेंस बात करते हैं तो पोको का स्मार्टफोन है तो यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है पोको के स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस पे। वैसे बिल्लू तुमको याद होगा ना, पोको F1 तुमने बहुत टाइम के लिए यूज किया था, काफी मस्त चलता था, गेमिंग विंग कर दी थी ना, गेमिंग बहुत अच्छी होती थी। तो ऐसे फोन में फीचर तो बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन एक फीचर जो कि हर स्मार्टफोन में मिलता है वो है कि आप एंड्रॉइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख लीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे इस वाले स्मार्टफोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट मिल जाता है, साथ में LPDDR4 RAM और UFS 2.2 स्टोरेज। तो एक बढ़िया सा सामंजस्य बिठाया है, बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है इस वाले स्मार्टफोन में इस मूल्य के हिसाब से। जो ऑन पेपर परफॉर्मेंस है वो बढ़िया मिलती है, चाहे Antutu हो, चाहे Geekbench हो, चाहे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी मैंने किया था, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। और टर्बो रैम वाला फीचर मिल जाता है इसमें, मतलब आप इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम उपयोग कर सकते हैं। अब बेस वेरियंट 4GB 64GB के साथ आता है तो यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया जा सकता था। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, परंतु ये हाइब्रिड वाला है। बाकी हमने BGMI का गेमिंग टेस्ट भी किया था इसमें और अप टू 40fps गेम प्ले कर सकते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे। गेमिंग का जो अनुभव रहा है हमारा इस मूल्य के आधार पे यदि हम देखते हैं तो बहुत अच्छा रहा है। और अभी ऐसे ठंडी चल रही है तो मतलब हीट वीट कुछ पता नहीं चला, हीटिंग तो कुछ हुई नहीं इसमें। बैटरी की बात करते हैं तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये फोन फुल चार्ज हुआ, अब तक 3 बार हमने फुल चार्ज किया है इसे। अब 3 बार ही इसलिए कर पाए क्योंकि भाई साहब ये डिस्चार्ज नहीं होता, बैटरी बैकअप तगड़ा मिलता है। 1 घंटे 3 मिनट, 1 घंटे 6 मिनट और 1 घंटे 5 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज हुआ है हमारी टेस्टिंग में। और यदि बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइम तो इसमें नहीं दिखा रहा है फिलहाल, परंतु 2 दिन का पूरा बैटरी बैकअप मिल जाता है हमें लाइट यूसेज में बिना गेमिंग के। मतलब ऐसा बैटरी ड्रेन जैसा कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसके इनिशियल वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर 2 ही कैमरा मिलते हैं और ये एक अच्छा स्टेप है। यदि आप चाहते हैं तो उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ, ये सब गिमिक नहीं खेला है ब्रांड ने। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो जो प्राइमरी कैमरा है वो भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रखता है कुछ कुछ इमेज में, परंतु अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जो परिणाम आए वो हमें काफी अच्छे लगे, आई प्लीजिंग लगे। मतलब इमेजेस में होता नहीं कई बार कॉम्बिनेशन की ओवर शार्प कर रहा है या फिर ओवर सैचुरेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। आप इमेजेस देख सकते हैं, काफी अच्छी इमेजेस आई हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी मैं ओके कहूंगा। और यहाँ पे कुछ लो लाइटिंग सैंपल्स भी देख सकते हैं। अब इस मूल्य के हिसाब से जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए वैसे परफॉर्म कर रहा है। हाँ, फ्रंट कैमरा में कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कई बार हार्श लाइट पड़ती है ना फेस पे, तो वहां पे क्या करता है कि थोड़ा ओवर शार्प करता है, शार्पनेस को ज्यादा ऐड कर देता है। तो जूम करते हैं ना तो ऐसे स्किन थोड़ा सा फटी फटी दिखती है। हाँ, इसमें हमने GCam का भी उपयोग किया था और GCam चल रहा है इसमें भाई, तो GCam में थोड़ा सा बेटर इमेजेस आपको मिल जाएंगी। हाँ, यदि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो सही है। जो इस वाले फोन में मैंने GCam उपयोग किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट की जा सकती है और रियर कैमरा से 1080p 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K का विकल्प नहीं मिलता और 1080p 30fps पे आपको स्टेबल वीडियोस भी मिल जाएंगे। बाकी इंडोर में वीडियो क्वालिटी कैसी मिल जाएगी
जाती है, आप देख सकते हैं। नेटवर्क सेप्शन इस वाले स्मार्टफोन का अच्छा है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है, तो सिम डेटा पे आपको अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी, और 5G के 7 बैंड है भाई साहब। MIUI 12.5 पे चलता है वाला स्मार्टफोन, साथ में एंड्रॉइड 11 पे चलता है। एंड्रॉइड 12 संभवता होता तो मतलब ज्यादा सही रहता, क्योंकि भाई साहब एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको और ज्यादा मिल सकता था। अब क्या इस वाले फोन में हमें जितना दिन उपयोग किया कोई UI में एड्स देखने को नहीं मिले, परंतु यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाती है जिनकी नोटिफिकेशन भी कभी कभी आती है। वैसे आप सभी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ तक कि भाई साहब सिस्टम एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैलकुलेटर ऐसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अब तक के उपयोग में हमने बहुत ही माइनर UI जिटर्स को फेस किया है, जो कि इस मूल्य पे थोड़ा आम है, परंतु ऐसा कोई लंबा लैग हमने महसूस नहीं किया इसमें। हाँ, UI में जो एनिमेशन है थोड़ा तीव्र है, और एक यहाँ पे मुझे बग मिला है, संभवतः बग ही कहूंगा मैं इसे, पोको लॉन्चर का शायद ये। अभी जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐप ड्रॉर ओपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन ओपन किया, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे सेटिंग ओपन कर लिया, उसके बाद होम पे चले गए, तो यहाँ पे ये पट्टी सी आ जाती है। अब ये पट्टी नहीं जाएगी, मतलब कोई दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करेंगे तब भी नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी। अब जैसे ही ऐप ड्रॉर ओपन करके फिर से नीचे स्क्रॉल कर देंगे, ये फिर से चली जाएगी यहाँ पे। तो ये छोटा सा UI बग हो सकता है, मे बी फिक्स किया जा सकता है, मतलब बड़ी बात नहीं कोई। तो बात करते हैं कि क्या आपको पोको M4 प्रो स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। हाँ, तुमको तो खरीदना चाहिए, इससे होता है क्या। तो देखिए 15,000 रुपए के मूल्य पे आपके पास अच्छे खासे अलग अलग ब्रांड्स के और इनके भी कई विकल्प हैं। तो यदि हम 5G को थोड़े समय के लिए साइड में रख देते हैं, तो इसके अलावा भी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, साउंड एक्सपीरियंस, बैटरी, हैप्टिक फीडबैक और साथ में कैमरा का भी जो अनुभव है और नेटवर्क का अनुभव काफी अच्छा मिल जाता है इस वाले फोन में। हाँ, यदि आप 4G स्मार्टफोन लेंगे इस मूल्य पे, तो आपको AMOLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये Xiaomi का ही Redmi Note 11 है, परंतु 5G और अच्छी परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी मेरा जो भी जैसा एक्सपीरियंस था इस वाले स्मार्टफोन के साथ मैंने आपको बता ही दिया है, परंतु आपके मन में कुछ भी यदि प्रश्न होते हैं तो आप टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मित्रों यही थी पोको M4 प्रो स्मार्टफोन की पूर्ण समीक्षा, फुल रिव्यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें आशा है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से भाई साहब तगड़ी वाली प्रेरणा मिलती है हमें, कर दीजिए बस, मतलब एकदम विलंब मत करिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।